इस साल 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। सुहागन महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, लेकिन कई बार कुछ महिलाएं व्रत रखने के दौरान कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनकी उन्हें भनक तक नहीं लगती। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसका ध्यान आपको करवा चौथ का चांद देखने के समय अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहली चीज, गौरी माता की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। महिलाओं को इस दिन अपने हाथों से गौरी माता के पूजन के दौरान हलवा पूरी अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए इस दिन आपको अपनी माँ, सास या किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह व्रत सफल नहीं हो पाता। इसलिए न केवल करवा चौथ वाले दिन बल्कि अन्य दिनों में भी अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज समझ लीजिए, किसी को भी सफेद वस्तु भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। वो कोई भी वस्तु हो, अगर वह सफेद रंग की है तो भूल कर भी इसका दान ना करें। महिलाएं चांद देखने से पहले किसी को दूध, दही, सफेद कपड़ा या कोई भी सफेद वस्तु नहीं दें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप यह कार्य घर में किसी और सदस्य द्वारा करने को कह सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं का प्रतीक होता है। सफेद रंग जिस तरह शादी के अवसर पर शुभ नहीं माना जाता, ठीक उसी तरह यह करवा चौथ पर भी अशुभ माना जाता है। आइए समझें, करवा चौथ के दिन भूल से भी बिना छलनी के चांद न देखें ऐसा क्यों कहा गया है। करवा चौथ का चांद हर बार देर से निकलता है, ऐसे मौके पर महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का चांद महिलाओं द्वारा नंगी आंखों से देखना बेहद अशुभ माना जाता है। इसी वजह के चलते इस दिन सुहागन स्त्रियां चांद को छलनी की मदद से देखती हैं। इसलिए अगर आप भी करवा चौथ के दिन चंद्रमा के निकलने का इंतजार कर रही हैं तो परिवार के किसी सदस्य को आप चांद देखने के लिए भेज सकती हैं। उम्मीद करते हैं आपको कुछ ज्ञान मिला होगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।